ये कपड़े घर के सारे स्टाफ के लिए और ये तुम्हारे लिए, हमारी पहली दिवाली का पहला तोहफा। थैंक यू मिस्टर हस्बैंड। अनिरुद्ध। आशी। अरे अर्शी नौकरों के लिए कपड़े लाई है। सुनो ये कपड़े उठा लो बांटने के लिए। ए लड़की दिवाली में यही पहनना। आज लाइट्स की क्या जरूरत है, दिवाली तो तुमसे रोशन है। तुम बिना पूछे मेरी बीवी की साड़ी कैसे पहनी तुमने? चनक ये तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने खुद नहीं पहनी है, मुझे पहनने के लिए दी गई है। वैसे भी जो मेरा नहीं उसे मुझे छीनने का कोई शौक नहीं। झनक जिस सिंदूर की है कर्जदार, आखिर कब बनेगी उसकी हकदार? झनक इस सोमवार से रात 10:30 स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। सर रमन भल्ला हैज बीन डिस्चार्ज। वेल सर आई वाज थिंकिंग कि हमें सुधा चौधरी जी को मिस्टर भल्ला के कॉम्प्लिकेशन केस के बारे में बता देना चाहिए। नहीं किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आई हैंडल दिस मैटर। मिस्टर रमन भल्ला अपने घर जा चुके हैं। नाउ वी जस्ट हैव टू सी कि उन्हें अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिले। एंड आई होप कि तुमने उनकी फैमिली को फिजियोथेरेपी के बारे में बता दिया है। हाँ। गुड। उनको जो चाहिए वो सब कुछ प्रोवाइड करें। सिर्फ ये सच किसी के सामने नहीं आना चाहिए, ना उसकी फैमिली के और सुधा दीदी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। ओके। सर रमन भल्ला हैज बीन डिस्चार्ज। वेल सर आई वाज थिंकिंग कि हमें सुधा चौधरी जी को मिस्टर भल्ला के कॉम्प्लिकेशन केस के बारे में बता देना चाहिए। नहीं किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आई हैंडल दिस मैटर। मिस्टर रमन भल्ला अपने घर जा चुके हैं। नाउ वी जस्ट हैव टू सी कि उन्हें अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिले। एंड आई होप कि तुमने उनकी फैमिली को फिजियोथेरेपी के बारे में बता दिया है। हाँ। गुड। उनको जो चाहिए वो सब कुछ प्रोवाइड करें। सिर्फ ये सच किसी के सामने नहीं आना चाहिए, ना उसकी फैमिली के और सुधा दीदी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। ओके। अक्का और कुछ चाहिए ना तो मुझे प्लीज बता दीजिए, मैं चॉप करके दे दूंगी आपको। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ हो ही गया है। आदि के पास जाओ ना। तुम क्यों यहाँ पे हो? आदि कैसा है वैसे? मैं कब से मिली नहीं हूँ उससे। आदि बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। फिलहाल ना आप सिर्फ जीजू पे ध्यान दीजिए, बाकी सब हम मैनेज कर लेंगे ना। और अब तो रोमी भी वापस आ गया है, सो नथिंग टू वरी। हाँ आई नीडेड टू आस्क, रोमी कैसा कोप अप कर पा रहा है बेबी के साथ? इज ही फाइन? बहुत अच्छे से। हाँ और सुबह ना रोमी इतना एक्साइटेड हो गया, उसने आदि का नैपी भी चेंज किया। एक बार देखना। अब जाओ। ये देखो ना, ये थेरेपिस्ट ना बेस्ट रहेगा पापा के लिए। आई थिंक शी इज टू गुड। अम्मा मेरी फ्रेंड ने इनका रेफरेंस दिया है और ये थेरेपिस्ट ट्रॉमा और एक्सीडेंटल केसेस में एक्सपर्ट हैं। मैंने अपॉइंटमेंट भी ले ली, आई थिंक वी शुड गो। हाँ और आज शाम के है तो चलेंगे, इन्हीं के पास ले जाएंगे हम। हाँ पुत्र ऐसे तू बड़ा ही वधिया काम किता है। पापा आप भी बनाओ ना प्लीज। पापा आपकी आंटी ना किसी भी एंगल से आंटी नहीं दिखती। लंबे बाल हैं, लिपस्टिक है। पापा ये बाल कम स्ट्रॉ दिखते हैं।
उफ़ो पापा, आप तो मुझसे भी बुरे हो ड्राइंग में। ये अपनी रूही दीदी को मत बताना, मैं उनकी फोटो बनाना। रमन की खुशियां हमारे हाथ में है, हमारा परिवार उनकी ताकत है। We have to be with him. Thank you for helping me. दीदी, देखो, मैं और पापा कलरिंग कर रहे हैं। आपको किसकी ड्राइंग ज्यादा अच्छी लगी? Of course, पापा की, है ना? नहीं, of course दीदी की। एक काम करो, ये ड्राइंग ना जाके चित्तजा को दिखाओ, ठीक है? Okay. पापा, आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो। क्या आप मुझसे प्यार करते हो? ये गलत सवाल हो रही। Of course. Exactly. आप मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे थे? इतने सालों से आपने मेरी हेल्प की है पापा, आपने मुझे सपोर्ट किया है। मैं जब जब गिरी हूँ आपने मुझे उठाया है, जब जब रास्ता भटकी हूँ आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। मेरा जब जब दिल टूटा है आपने मुझे संभाला है, और मेरी इतनी सारी गलतियों के बावजूद हर बार आपने मुझे माफ किया है। इनफैक्ट हर बार मुझसे और ज्यादा प्यार किया। बिगाड़ दिया है तुम्हें। तो पापा, जब मेरी बारी आई है आपको सपोर्ट करने की, तो मैं ऐसे कैसे पीछे हट जाऊं? पापा, आपको सहारा देने में सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका प्यार है। प्लीज हम सबको अपने आप से दूर मत कीजिए। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, सब आपको फिट एंड फाइन देखना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, आप मेरी एक बात मानोगे प्लीज? आपको आज शाम को मेरे साथ कहीं चलना होगा। चलना होगा? हम सब आपको कहीं ले जाना चाहते हैं। कहाँ? आप बस हमारे साथ आना, आपको पता चल जाएगा। प्लीज। Like I have a choice. Okay. पापा। नहीं सर, आई बी जाओ, मुझे बहुत सारा काम है। नहीं मिलूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं। I'll be right here. इस सोमवार से झनक रात 10:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। दोनों में से कोई बताएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बस थोड़ी देर और, आपको पता चल जाएगा। अगर हम लोग कहीं डिनर पे जाएं तो तुम्हें नहीं लगता कि इट्स टू अर्ली फॉर डिनर? और रोमी में ही का, उनको भी तो सारे लिस्ट थे। रोमी चाचू एक्चुअली फैक्ट्री गए हैं, और जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे रोमी चाचू की कोई जरूरत नहीं है। हमारी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर मंजल के साथ आपके लिए। सो तुम लोग मुझे थेरेपी के लिए आए, हाँ? इसलिए इतना सस्पेंस? व्हाट डू यू ऑल थिंक, किसी और के ज्ञान बांटने से मैं अपनी थिंकिंग बदल दूंगा? आई एम फाइन। रमन वो ज्ञान नहीं बांटेंगी, वो बस हमारा जिंदगी की तरफ नजरिया बदल देंगी। और ये हेल्प सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी जरूरी है, ताकि हम आपको ठीक तरह से सपोर्ट कर सके। रमन, चलो पापा प्लीज। ठीक है, लेकिन इफ आई फील अनकंफर्टेबल जस्ट फॉर अ सेकंड आल्सो, आई एम गोना वॉक आउट। आई एम गोना आस्क यू टू टेक मी आउट ऑफ दैट। श्योर, चलो। मैंने आप लोग से पहले ही कहा था ड्राइवर को साथ ले लेते, कम से कम वो मुझे शिफ्ट कर देता। पापा, हम है ना, हमने आपको कितने आराम से शिफ्ट कर दिया। वैसे भी ना गर्ल्स बहुत पावरफुल होती हैं, कोई शक नहीं है ना अम्मा? एब्सोल्युटली। अच्छा चलो, मैं ना गाड़ी पार्क करके आओ।
अम्मा मैं एक मिनट जाके देखती हूँ। हाँ इशिता एक मिनट जरा देखिए वहाँ क्या हो रहा है। हाँ दिनीर हेल्प मैं जाती हूँ। यो क्या कर रही है तू? बाइक हटा रहे गाड़ी पार्क करनी है। क्यों ये गाड़ी थारे बाप की है जो हटा रही थी यहाँ से? ए कैसे बात कर रहे हो, कोई तमीज नाम की चीज है? मारे को तमीज सिखाएगी तू? भाई साहब आप लोग प्लीज आराम से बात कीजिए, लड़कियाँ हाँ। ये तमीज से बात कीजिए प्लीज। तो हमने तमीज ना सिखा? अरे क्या बकवास कर रहे हो आप लोग, ए क्या बदतमीजी है ये? तू बचाएगा इन छोरियों ने हा? तू खुद को बचा ले यही तेरे लिए बहुत है। ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हैं आप? एक शब्द और बोलो ना मुंह तोड़ के रख दूंगी तुम्हारा, समझा क्या? क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो अरे कुछ नहीं क्या मुंह। ये मर्द की असली औकात क्या होती है ना, तेरे को दिखाता हूँ। तेरी आंखों के सामने तेरे ही परिवार के टुकड़े कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। तू तू नहीं छोड़ेगा जिंदा? हाँ छोड़ इसे, छोड़ आजा, पकड़ जा, आजा ना। कोई है? पुलिस हम अच्छा वो साइकेट्रिस्ट मुझे ठीक करेगी, हाँ? वो मेरे परिवार को बचाने में मेरी मदद करेगी। हालत देख रहे हो मेरी, वो गुंडे मेरी बीवी मेरे बच्चियों को मोलेस्ट कर रहे हैं और मैं पापा प्लीज आपने कहा था ना आप मेरी बात मानोगे, चलो ना प्लीज। हालत देख रही हो? ये हो रहा है क्योंकि क्योंकि मैं अपनी मदद नहीं कर सकता, बच्चों की खाक मदद करूंगा मैं। पापा प्लीज आप प्लीज मेरी बात मानो।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।